राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जी हाँ, राहुल गांधी ने अभी तक जितनी भी रैलियां की हैं, अपनी इन रैलियों में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया है, सबसे ज्यादा जोर महंगाई पर दिया है, जनता के लिए बात करते नजर आए और इसके साथ ही देश के मुद्दों को उठाना, कोरोना जैसे मुद्दों को उठाना। राहुल गांधी की इन रैलियों से ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से जनता के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय की अगर बात करें तो राहुल गांधी की इन रैलियों में जो मुद्दे उठाए गए हैं या खुद राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, इसका प्रभाव है कि अब चुनाव पर दिखना शुरू हो गया। जनता आज खुलकर राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, कांग्रेस पार्टी की तारीफ करती नजर आ रही है और ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में ज्यादातर जनता के मुद्दों को उठाकर, देश के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दी है। इससे ये देखा जा रहा है कि एक और जहां पहले राहुल गांधी कुछ और बयानबाजी करते थे, कुछ भी बयान दे देते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी में बहुत बड़े बदलाव आते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी में जो बदलाव हुए इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और जनता ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।